नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन। नेता अक्सर अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले की हड़बड़ी में भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। अक्सर फिसली जुबान से वे शब्द निकल पड़ते हैं जिसकी इजाजत लोकतंत्र की आदर्श व्यवस्था के संस्कार और अनुशासन नहीं देते। अक्सर ऐसा होता है और आज फिर हुआ है। राम और हनुमान को लेकर बीजेपी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने वाले राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने आज फिर सीएम नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसे अमर्यादित ही कहा जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार के कथित बयान के खिलाफ महागठबंधन के दलों ने राजभवन मार्च निकाला था। महागठबंधन का आरोप है कि नीतीश ने महागठबंधन को सड़क छाप कहा है। इसी से गुस्साए महागठबंधन के दल राजभवन मार्च कर रहे थे। इस दौरान भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है तो वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्हें रांची भेज देना चाहिए। अगर बीमारी छोटी है तो कोइलवर भी भेजा जा सकता है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सीएम नीतीश ने महागठबंधन को सड़क छाप कहा है, उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री का संतुलन खराब हो गया है। अच्छा, और गद्दी जाते देख रहे हैं कि मेरी गद्दी जा रही है, कुर्सी जा रही है, क्योंकि कुर्सी कुमार के नाम से वो जाने जाते रहे हैं, पलटू राम के नाम से जाने जाते रहे हैं, इसलिए उनकी कुर्सी जाती नजर आ रही है, इसलिए मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और हमने कहा है कि या तो रांची, अगर ज़्यादा है तो रांची भेज देना चाहिए, कुछ कम है, अगर मानसिक रूप से बीमार है तो उनको कोइलवर भर्ती कर देना चाहिए। हम महागठबंधन के लोगों को सड़क छाप उन्होंने बोलने का काम किया है, उनको सड़क छाप भी नहीं हम लोग छोड़ेंगे और जनता नहीं छोड़ने जा रही है। इस बार ऐसे जगह उनको फेंकेगी कि बिहार में उनका नाम न लेने वाला कोई नहीं रहेगा। उनको इतना दूर भेज देगी जनता कि बिहार की जनता, देश की जनता उनका नाम भी मिट जाए। आंदोलन में परेशानी हर लोग को होती है और आंदोलन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा कर्तव्य बनता है। जिस तरह से, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्हें माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से, तब हम लोग छोड़ेंगे। महागठबंधन का असर ऐसा आएगा कि देश के गद्दी से भी नरेंद्र मोदी भागेंगे और बिहार की गद्दी से नीतीश कुमार अपने आप को रुसकत करने का काम करेंगे। जनता ये कहने आ रही है कि मुख्यमंत्री गद्दी खाली करो कि तेजस्वी यादव आ रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का एक ही लक्ष्य है कि केंद्र से नरेंद्र मोदी को और बिहार की गद्दी से सीएम नीतीश कुमार को हटाना है। बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी और बिहार में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। सिटी पोस्ट लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए citypostlive.com। बस एक क्लिक में सभी खबरें।